बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कोफ्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। बगैर किसी देरी के कोफ्ते की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कोफ्ते का गोश्त ले लिया है, उसको अच्छी तरीके से चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है, बिल्कुल कीमा कर लिया है गोश्त को। उसके बाद मैं एक तसले में निकाल लेके रख लेती हूँ गोश्त को। और फिर मैंने धनिया ले ली है, हरी मिर्च ले ली है, उसको भी ग्राइंड करके बारीक बारीक रख लिया है। दो प्याज ले लिया है, दो अदद लाल करा हुआ प्याज ले लिया है, उसको भी अच्छी तरीके से ग्राइंड करके रख लिया है। अब कीमे के अंदर मैं जो जो सामान शामिल करूँगी आप लोगों को भी वैसे ही करना है। कीमे में सबसे पहले जो है 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, 2 चम्मच पिसी मिर्च शामिल कर रही हूँ, 2 चम्मच गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। जो बिल्कुल ग्राइंड करा था मैंने हरी मिर्च और धनिया, वो शामिल किया है। हसब ज़रूरत नमक शामिल किया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और 2 प्याज और 2 लाल करा हुआ प्याज जो मैंने ग्राइंड किया था उसमें, अब इसको अच्छी तरीके से जो है वो मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है, अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स वगैरह करके आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो में बने रहें। अब मैं आप लोगों को बताती चलूँ, अच्छी तरीके से मैंने मिक्स वगैरह कर लिया है। रमज़ान शरीफ चल रहे हैं तब अपने घर में बनाने कोफ्ता अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। सेहरी में आप पराठे के साथ या चावल के साथ ज़रूर लगा के खाएँ। अब कोफ्ते का जो है वो मैं छोटा छोटा जो है वो गोला बना लूँगी और कढ़ाई के अंदर मैं पहले तेल डालूँगी, उसके बाद ये कोफ्ते के गोले डाल के उसको अच्छी तरीके से पका लूँगी। बिल्कुल हल्की आँच में पकाना है वरना अंदर से कच्चा रह जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं इसको जल्दी जल्दी से मैं छोटा छोटा गोला बना के कढ़ाई के अंदर सजा लूँगी सारे, और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से पका लूँगी और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग अपने घर में ज़रूर बनाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी लेके। रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।